पाकिस्तान एक तरफ यूसुफ नजर आ रहे हैं, इसराइल नजर आ रहे हैं, तो वही उनके प्रतिद्वंदी टीम की अगर बात करें तो एक तरफ खुफानो यूसुफ नजर आते हुए, और अगर देखा गया कल इनके बेहतरीन प्रदर्शन सेमीफाइनल के मैच में जब फाइनल तक का सफरनामा तय किए थे, तीन शून्य की बड़ी बढ़त बनाई थी, तो चलिए दोनों बेहतर टीमें हमारे बीच मैदान के नीचे भी खेल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई यहां से कौन सी टीम बेस्ट टीम के तौर पर हमारे बीच चुनकर आएंगी, क्योंकि कई एक टीम बेहतरीन फुटबॉल खेली थी, हर बार अपने विपक्षी को चारों खाने चित पहुंचाया है, और फिलहाल बात है प्रथम पुरस्कार की, विजेता बनने की, और बात है प्रतिष्ठा की, क्योंकि संकल्प जब इतने बड़े टूर्नामेंट में कोई भी टीम जीतती है तो पुरस्कार की राशि के साथ साथ बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। और प्रकाश सर, मैंने कुछ दिन पहले एक बात का जिक्र किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि झारखंड प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ये कोला गिरा इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि इतने बड़े पुरस्कार अभी तक इस क्षेत्र में नहीं दिए गए हैं, ये पहली बार ऐसा है जब 5 लाख की इनामी राशि आपको प्रथम पुरस्कार के तौर पर दिए जा रहे हैं, और इस समय अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की बात करें तो बेहतरीन तालमेल के साथ खेलते हुए बेहतरीन मौका है, दोनों टीमों के खिलाड़ी की बात करें प्रकाश, एक बार दर्शक साथियों तक उनकी बातें मैं पहुंचाना चाहूंगा। इसी वेले तेलुगु की बात करें तो तीन नाइजीरियन प्लेयर नजर आते हुए, एक है कोरमा, एक है इजराइल, और चलिए दो फॉरनर प्लेयर हैं इसमें अगर बात करें इसी वेले तेलुगु में, बाकी सब हमारे देसी बॉयज हैं। और करीमनगर मुड़िया की बात करें तो यहाँ भी तीन दिखाई पड़ रहे हैं फॉरनर, जैसे नंबर 6 पर इधर फोकस और इस वर्तमान समय में सिविल टेलको की टीम 1-0 की बढ़त बनाते हुए पहला गोल हेडर के जरिए आया है, बाका है अभी भी, क्योंकि इस मैदान पर प्रकाश दो दो गोल हम लोग बराबरी करते देखे हैं टीमों को। इस समय शुरुआती क्षण है, यूसुफ जो किसी के लिए आगे थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। बात करें मैथ्यूज की, बात करें भाई लादना है, भारी लगता है, चलिए अब कहीं ना कहीं रोमांच और बढ़ेगा, क्योंकि एक टीम चाहेंगे की जो बढ़त बनाई गई है इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, फिर कम से कम इस बढ़त को बरकरार रखा जाए, वो एक टीम की कोशिश होगी, यानी कि केएम आर करीमनगर चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए छल बल कौशल का प्रयोग करते हुए अपने आप को इस मैच में लेवल कंडीशन पर लाने का भरसक प्रयास करेंगे, तो चलिए देखना है कि किस टीम की आशाएं होती है पूरी और किस टीम के ख्वाहिशें रहती है अधूरी, ये तो महज कुछ मिनटों के खेल के दौरान पता लगेगी। प्रकाश, इस टूर्नामेंट के दौरान दो दिनों से मैं एक चीज थोड़ा सा क्षमा मांग लें सबसे पहले, क्योंकि स्टेज के जरिए परिस्थिति है तो मैदान की क्या हो सकती है इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो फुटबॉल मैच नहीं देख पा रहे हैं, मैं उनके प्रति विनम्र क्षमा चाहूंगा, हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों की वो सुविधा हम लोग नहीं दे पाए, और की ओर से आप सबों का सादर वंदन करते हुए आप सबों का पुनः एक बार आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल, आप सबों को नमन करते हैं, आप सबों का अभिनंदन करते हैं, और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति से इस दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन हो रहा है, इसके लिए हम कमेटी आप सभी का आभार भी प्रकट करते हैं कि कल से लेकर आज तक जो आपका सहयोग रहा, बिल्कुल एक सामान्य सहयोग आप सभी का हमारी कमेटी को मिल रहा है, इसके लिए कमेटी के प्रति आप सभी के प्रति शुक्रिया अदा करती हूँ। फिलहाल एक मौका बना है केमाट करीमनगर के लिए, लेकिन फिलहाल गेम को लेने में सफल हुए हैं एसी ब्लैक टाइम को। एक बार मौका बनेगा, काफी दूर से की काई थी, डिफेंडर मौजूद थे, और प्रकाश इस समय अगर देखा जाए तो एक टीम एक गोल से आगे चलती हुई टीम है एसी ब्लैक टाइम की टीम, वन से आगे जो खड़े हुए हैं भाई कोच को छोड़कर वो लोग कितना बैठ जाएंगे, बाकी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और इस बार रन आते हुए मैथ्यूज जैसे नंबर 15 पर नजर आते हुए चंद्रा, अच्छी गेंद, भैया बॉल आने से जब उधर ही हिलते हैं इधर आ गई ना, सबको अपना ही मत देखिए सबका देखिए, कितना खेल रहा है उतना ही आगे जा रहा है। पीछे
और आज इस गाड़ी काफी इंटरटेन कर रहे हैं सुंदर सभी दर्शकों का। बार बार लाइन शायद थोड़ी सी ब्लॉक हुई है, इसलिए खिलाड़ी कह रहे हैं क्योंकि जो लाइन ब्लॉक हुई है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लाइन क्लियर भी नहीं हो सकती है। और इस समय अगर देखा जाए एक की बराबरी करने के काफी करीब। अच्छी की अच्छा कमजोर भाई है, इस तरह से फ्लिक किया गया था गलत करार। एक बार रामचंद्र अच्छी गेंद मोटा बनेगा, किक दिया और जगह बनाया किक आई और बचाव इस बार संदीप माली के द्वारा। किक जरूर मिलेगा कभी तेज करार किक लेकिन सफल नहीं हो पाए और इस कार्य की गेंद को नीचे रखने की आवश्यकता थी। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जीत में इनकी भी काफी अहम योगदान रही है। एक बार और फिलहाल अगर किरण मांडी के नजरिए से देखा जाए तो इनके ऊपर अधिक जिम्मेदारी है इस बढ़त को बरकरार रखने की। और इस बार भी प्रयास किया गया था और जो डिफेंडर है कोशिश काफी अच्छी के लिए प्रभावित किया है। और लेफ्ट बैक में जो जसविंदर पांच को नजर आ रहे खिलाड़ी ये हैं कृष्ण हैंगम, क्या फुटबॉल खेली है दोनों खिलाड़ी। आज अगर उनकी टीम फाइनल तक का सफरनामा तय करी है इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा अपनी टीम के प्रति। बिल्कुल सिर्फ फॉरवर्ड खिलाड़ी अगर गोल करते हैं लेकिन अगर डिफेंडर अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम की जीत नहीं मिलती है। तो कल केमा करीमनगर की टीम को ऑफेंस लाइन से लेकर के डिफेंस लाइन तक के सारे प्लेयर ने बेहतरीन फुटबॉल खेली थी और इसी का परिणाम है कि इनकी टीम फाइनल में प्रवेश किए हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी दबाव की स्थिति उनकी टीम के ऊपर, एक गोल से पीछे चल रही है केमा करीमनगर की टीम और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष दिखाया है वाकई ये जो फाइनल मैच के लिए बादशाहत वाली फुटबॉल होनी चाहिए वो फिलहाल हमें देखने को मिला है। अभी तक हार नहीं मानेंगे, कोई भी मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर नहीं झलक रहा है और निश्चित तौर पर बारंबार अपने आप को बराबरी की स्थिति में लाने का प्रयास किए जा रहे हैं के मार्ट करीम नगर के खिलाड़ियों के द्वारा। फिलहाल मैं बता दें आप समय से जैसे नगर चार पर सिमले खेल को दासी फांसदा चीज ए दादा देख मैं पेक्षण दिखे लगे जमा पेटे देखा एक बसार चेष्टा करूँ दादा की करा जाए। केमाट करीमनगर के पास गेंद फिलहाल रामचंद्र बाबू की काफी सुंदर चेस्ट के सहारे साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की गई थी। एक बार कुलचांद गेंद के साथ लेकिन फिलहाल गेंद को लेने में सफल हुए थे। एक बार थोड़ी सी पीछे गेंद को दिया गया था सेकंडर जयसिंदर आठ पर देखा एक बार बैटरिंग खिलाड़ी के पास गेंद मौका बनेगा कटकर आगे जाने के क्रम में अच्छी तालमेल अच्छी गेंद पर एक बार दिलजीत पात्र के लिए डाली गई लेकिन गेंद की गति थोड़ी सी ज्यादा रही और गेंद के लिए पुणे गोल लाइन के बाहर संभाल नहीं पाए अपने आप को। और अपना अच्छा नाम रखते हैं ड्राइव मेरे को लंबे शॉट लंबी शॉट के लिए तीन सीधे पोस्ट पर रखने का प्रयास हालांकि दिलजी की हेडर आती है कटकाठी वाले डिफेंडर हैं और हमेशा अपनी ऊंची कटकाठी का लाभ लेने का प्रयास रहता है दिलजीत पात्र का और कल से लेकर आज तक उन्होंने बेहतरीन डिफेंसिव करी है अपनी टीम के लिए और टीम को जीत दिलाने में इनका भी एक अहम योगदान होता है। क्योंकि शंकर कल भी हमने देखा था कि केमाट की टीम गोल कर रही थी लेकिन उस गोल को बरकरार रखने की उस बढ़त को बरकरार रखने का जिम्मेदारी इन्हीं डिफेंस लाइन के डिफेंडरों की थी। इसीलिए डिफेंस लाइन के सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन का नमूना पेश किया है मैदान के बीचों बीच। फिलहाल एक त्रुटि का संकेत है कि फाउल करार दिया गया था और फिलहाल एक अच्छा मौका मिला है जैसे किस के तौर पर ऐसे ब्लैक टेल के की टीम को बहुत ज्यादा एक और बेहतरीन मौका मिलता है ऐसे ब्लैक टेल के की टीम पर सचिन नंबर दो को नजर आते हुए इस समय विशाल सोना अच्छी गेट लेकिन बहुत अच्छा बचा सुनील अच्छी गेंद आ
फिलहाल काफी तेज गति से आगे की ओर बढ़ते हुए टीम आउट करेंगे नजर की गई। लेकिन आज इसराइल की डिफेंस की जितनी भी तारीफ की जाए सुनकर उतना ही कम। आयोजन करता है आदिवासी क्रिकेट फुटबॉल एसोसिएशन दरगाह समिति की, जिसमें बात करें कि आदिवासी क्रिकेट फुटबॉल एसोसिएशन की जो शुरुआत हुई थी, जो बड़ी प्रचंड लहराए थे हर क्षेत्र में, सन 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर 36 साल तक लगातार ये सफरनामा चलते आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद ATFA यानी आदिवासी क्रिकेट फुटबॉल एसोसिएशन की जो गरिमा है उसको बनाए रखा गया है। मैं तमाम आयोजनकर्ताओं को खास करके मुख्य संयोजक अख्तर हुसैन जी, रविंदर मंडल जी, सुशील माडी जी, शिव नंदन किस्को जी, सतेंद्र सोरेन जी, तमाम आयोजनकर्ताओं में पुनः एक बार चरण वंदन करते उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफलता की कदम चुकी है। आप सबों का पुनः एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये सिर्फ दो दिन का ही फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं होता, इसके पीछे नहीं भी तो कम से कम 3 से 4 महीने का अथक प्रयास होता है। तन मन धन और समर्थन की भावना के साथ सभी दर्शक काफी परिश्रम करते हैं इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े टूर्नामेंट का लगभग सफल आयोजन करने के बिल्कुल कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि समापन